Very good morning, class. First, now continue our chapter number 8, our tree. Chapter number 8 name is our tree. चैप्टर 8 के बच्चों हमने इसके क्वेश्चन आंसर्स एमसीक्यूज क्वेश्चंस डिस्कस कर लिए हैं. आज हम आपके पैसेज है ये स्टैंजा, सॉरी स्टैंजा बोलते हैं हम, जो पोयम होती है उसका होता है स्टैंजा और जो स्टोरी होती है उसमें होता है पैसेज. तो हम आज एक स्टैंजा डिस्कस करेंगे. आपके पैसेज स्टैंजा दे रखा है पेज नंबर 42 पर. 42 पर पेज नंबर है आपके. रीड द फॉलोइंग स्टैंजा केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो. आपको क्या करना है, इस स्टैंजा को पढ़ना है और इसकी जो क्वेश्चन है वो आपको इसी के अंदर मिल जाएंगे. तो अपन पहले स्टैंजा पढ़ लेते हैं, क्या है स्टैंजा, फिर इसके क्वेश्चन देखेंगे. ठीक है. नाउ अ ट्री विथ ब्रांचेस अलोंग क्रोज एंड बर्ड सॉन्ग. अब वो जो ट्री था वो क्या हो गया था, वो जो प्लांट था वो क्या बन गया था, ट्री बन गया था. With branches long, और उसकी जो branches थी वो बहुत ज्यादा बड़ी बड़ी हो गई थी. Cowling, crows and bird songs, पक्षी क्या कर रहे हैं वहाँ पे, उसके पेड़ पे tree पर branches पे क्या कर रहे हैं, वो गाना गा रहे हैं. Cowling ants and spider webs, और जो ants हैं वो भी उसके ऊपर चढ़ रही हैं. और मकड़ियों ने क्या बना लिया है, उस पे जाला बना लिया है. Caterpillars with tiny legs, caterpillars के legs कैसे हैं, tiny है, बिल्कुल छोटे छोटे हैं. Rich green leaves with which green leaves is apparently, और जो green leaves है वो क्या है, बिल्कुल एकदम जो leaves होती है वो क्या होती है, green color की होती है. तो rich green leaves life apparently, और लोग उस पर क्या करते हैं, कसरत करते हैं. तो हम start करते हैं इसके question answer, जो आपको इसके नीचे question answers दे रखे हैं वो हम start करेंगे. okay. लॉन्ग हो जाती है और जो बर्ड्स है वो क्या करते हैं, वहाँ पे गाना गाते हैं. क्रो क्या करता है, काऊ काऊ करता है. आंट्स क्या करती है, आंट्स भी उसके ऊपर पेड़ के ऊपर चढ़ती है. वेब्स स्पाइडर्स क्या करते हैं, स्पाइडर होते हैं मकड़ी, वो क्या करती है, अपने जो वेब्स होते हैं जाले बना लेती है. कैटरपिलर्स में टिनी लाइक, कैटरपिलर्स के लेग्स कैसे हैं, टिनी है. रिच ग्रीन लीव्स विद अपेंडी, मतलब लोग उस पे पेड़ पे क्या करते हैं, कसरत भी करते हैं, करते हैं ना. तो देखते हैं कि हम उसको पकड़ के, पेड़ को पकड़ के कसरत कर रहे होते हैं, कोई क्या कर रहा होता है. ठीक है. तो रिच ग्रीन लीव्स विद अपेंडी, मतलब जो उसकी लीव्स होती है वो भी हमारे लिए क्या होती है, फायदेमंद होती है. तो फर्स्ट इज द ट्री हैड लॉन्ग, ऑप्शन इज लीव्स, बी इज रूट्स एंड सी इज ब्रांचेस. जो ट्री के पास लॉन्ग है मतलब लंबी है वो क्या है, ब्रांचेस यानी शाखाएं हैं उसके पास. ठीक है. सो राइट आंसर है सी. नेक्स्ट क्वेश्चन सेकंड, द कैटरपिलर्स हैड डैश लेग्स. जो कैटरपिलर्स के लेग्स हैं वो कैसे हैं, टिनी यानी छोटे हैं. TINY, टिनी यानी छोटे लेग्स हैं. क्वेश्चन थर्ड, देयर वर स्पाइडर वेब्स ऑन द ट्री. जो स्पाइडर है वो ट्री पे क्या बनाते हैं, जाल बना लेते हैं. यस ट्रू, आंसर क्या हो जाएगा हमारा, ट्रू. क्वेश्चन फोर, हाउ डज द आंट मूव.
हाउ डज द आंट मूव, आंट क्या करती है, हाउ डज द आंट मूव, क्वेश्चन का भी ये भी हो सकता है हाउ डज द आंट मूव, आंट कैसे चलती है, कैसे चलती है, कावलिंग आंट्स मतलब रैंग की चलती है, कैसे चलती है, कावलिंग सी आर ए डब्ल्यू एल आई एन जी, कावलिंग मतलब होता है रैंग का चलना। क्वेश्चन नंबर 5, राइट द वन राइट द वर्ड्स फ्रॉम द स्टैंजा दैट राइम्स विद वैप्स, वैप्स का आपको राइम वर्ड बताना है, वैप्स का हो जाएगा लैग्स, ओके, वैप्स का हो जाएगा आपका राइम वर्ड लैग्स, एल ई जी एस लैग्स। नाउ अगेन फर्स्ट इज चैप्टर में हमने देखा द ट्री हैड लॉन्ग लीव्स रूट्स या ब्रांचेस, ब्रांचेस। नेक्स्ट द कैटरपिलर्स हैड डैश लेग्स, कैटरपिलर्स के लेग्स कैसे हैं, टिनी, टी आई एंड वाई, टिनी, तो फिल द ब्लैंक्स में आपको फिल करना है टी आई एंड वाई। देयर वर स्पाइडर वेब्स ऑन द ट्री, यस ट्रू। नेक्स्ट हाउ डज द आंट मूव, आंट कैसे चलती है, रैंकर, कावलिंग मींस होता है रैंकर चलना, तो सी आर ए डब्ल्यू एल आई एन जी, कावलिंग मींस रैंकर चलना। एंड राइंग वर्ड होता है जिसका सेम क्या होता है, साउंड होता है, वैप्स लैग्स, तो मतलब राइम्स में इसका दोनों का क्या कर रहा है, मैच कर रहा है, तो वैप्स का क्या हो जाएगा, लैग्स हो जाएगा। सो कंप्लीट योर चैप्टर नंबर 8, डू दिस वर्क इन योर इंग्लिश रीडर नोटबुक, ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू, बाय बाय।